हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 5 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वो कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात करे तथा संबंध चरणों के लिए कारण भी दे। ये जो है हुआ ए और बी का मान निकाले और इनके लिए जो है वो कारण भी जो है हुआ चरणों देने का, कुछ चरण जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो हम देखिए हम रफ में पहले समझते हैं। ए वन और ये बी, और ये जो है वो हमारा बी का स्थान पर क्या देंगे और ये हमारा जीरो जोड़ना है। ठीक है, हुआ। तो देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो जब हम यहाँ पे यानी कि कब संभावना बनता है यहाँ पे जीरो आने का, आप ही बताइए कब संभावना बनता है यहाँ पे जीरो आने का। जब यहाँ पे जो है वो हम 9 देंगे तभी है ना, ये 9 एक 10 बनेगा, और 8 देंगे तो बनबे नहीं करेगा, 7 देंगे तो बनबे नहीं करेगा, 6 देंगे तो कहीं नहीं बनेगा। तो ये जो है वो संभावना उठता है कि बी का स्थान पे जो है वो 9 देने का। जब 9 दे देंगे तो 9 एक 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा। तो बी का स्थान पे यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर भी तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। तो अब देखिए 9 को पूरने के लिए यहाँ पे 1 1 2 है, तो यहाँ पे 1 स्थान पे क्या देंगे, 7 देंगे, तभी ना जाके ये 9 पूर जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तब देखिए इनका जो है वो यानी कि चरण कुछ लिख देते हैं। तो चलिए जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि इनका चरण लिखते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे चरण में, जो है वो हम लिख देंगे चरण में, लिख देंगे चरण में क्या लिख देंगे। तो देखिए ये 1 + b को जोड़ने पर इकाई का अंक जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, तो वो जीरो होना चाहिए। और ये जो है वह बी का मान जो है वह बी का मान जो है वह 0 से 9 तक का अंक होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का अंक होगा, होना चाहिए। क्योंकि 0 से 9 तक का अंक जो है वह होना चाहिए, 0 से 9 तक का अंक होगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः b बराबर 9 लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वह ये जो है वह हमारा 1 + 9 जब करेंगे तो ये जो है वह कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इसके इकाई अंक क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसके इकाई का अंक क्या है, तो 0 है। ठीक है, अब पुनः इसके इकाई का अंक 0 है। पुनः अब देखिए इसके इकाई का अंक 0 है, तो अब देखिए यहाँ पे तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल होने 1 बचेगा। तो ये हमारा 1 + ये 1 मान प्लस ये जो है वह 1 है, ये जो है हासिल 1 और ये 1 + 1 बराबर ये बी के मान के बराबर होगा। तो देखिए बुआ ये जो है वह 1 कितना हो जाएगा, 2 + a = b बराबर क्या माने थे, 9। ये जो है वह 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 2। तो देयरफॉर ये ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ए बराबर 7 और बी बराबर 9 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।